स्टूडेंट्स सो आई विल एक्सप्लेन यू द सम बेसिक टर्म्स ओके सब कुछ आपको मैं बेसिक्स बताता हूँ ठीक है क्योंकि इसको समझने के लिए इसका बेसिक्स आना जरूरी है सो so, बच्चों वॉट इज़ टोटल एनर्जी ठीक है सो विल सी वॉट इज़ टोटल एनर्जी ठीक है सो so, हमको पता है कि टोटल एनर्जी इज़ वॉट कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इज़ वॉट कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सो दिस इज़ द कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ठीक है दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी फुल बॉडी का ठीक है सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है ठीक है सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं ठीक सो ये फुल बॉडी सपोज ए फुल बॉडी ठीक इट इज इन मोशन सो वेन द फुल बॉडी इट इज इन मोशन इट विल परस काइनेटिक एनर्जी सो ये बॉडी है ठीक है ये एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नाउ द पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब कैसे हो सकती है वेन दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट एच ठीक फ्रॉम द ग्राउंड सो जब ये बॉडी ठीक है एक कंटेनर है कंटेनर के अंदर क्या है मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है गैस मॉलिक्यूल्स हैं सो इट इज एट अ हाइट एच पूरा कंटेनर ये कंटेनर है इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है इट इज एट अ हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल परजेस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी सो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है सो सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कब होता है जब ग्रेविटी प्रेजेंट होता है ठीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तब व्हेन दिस बॉडी इज केप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है और थर्ड वन इज इंटरनल एनर्जी ठीक इंटरनल एनर्जी नाउ ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये जो इंटरनल एनर्जी होता है दिस इज अ मॉलिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी दिस इज अ मोलिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी ठीक है अब हम लोग मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं ठीक है दिस इज अ मॉलिकुलर लेवल ऑफ एनर्जी ठीक है सो so, अभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाउ यू विल सी दैट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल है ओके सो मॉलिक्यूल

काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर इन मोशन तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स ठीक कानेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके और अब देखते हैं कि जो मोलिक्यूल्स होंगे ठीक है सपोज एक मोलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है नाव विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी सो मोली में पोटेंशियल एनर्जी वो वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती जो हाइट पर होती है वो वाली नहीं होती बच्चों याद रखना मोलिक्यूल्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सो so, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है वेन वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल ठीक है सो so, उनके बीच में क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा सो so, यहाँ पे हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और तीसरा जब एक मॉलिक्यूल है ठीक है सो so, ये किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट होगा कैसे भी वाइब्रेट होगा ठीक है सो so, इसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है तो so, इसके अंदर क्या होगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो so, इसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी सो so, देखा आपने मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी में क्या देखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है अच्छा वन मोर थिंग ये जो मॉलिक्यूल है स्पिन करेंगे रोट है ना रोटेट भी करेंगे ठीक है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा ठीक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है सो यह याद रखना है आपको तो इसका मतलब है मॉलिकुलर लेवल पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी प्रजूस करेंगे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि दे कैन मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो हो गया काइनेटिक एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड ये जो थर्ड केस है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो फॉर गैसेस गैसेस के लिए जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है ये होने के लिए क्या चाहिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए ठीक है इट विल टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई सफिशियंट टेम्परेचर पर ठीक है सो दिस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर नाव यहाँ पे एक देखते हैं वी हैव अ सिस्टम एक सिस्टम है आपके पास ठीक है जो कि रेस्ट पर है ठीक है सपोज एक सिस्टम है विच इज़ एट अ रेस्ट ठीक रुका हुआ है वो पूरा सिस्टम रुका हुआ है ओके और वो जो सिस्टम आपने रखा है वहाँ पे नो ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर नो इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है सो देखो क्या होगा तो so, आपने देखा कि वो एक सिस्टम है ठीक है तो so, मुझे देखना है कि उस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी सो so, वो सिस्टम क्या है वी हैव केप्ट दैट सिस्टम एट अ रेस्ट ठीक और उस सिस्टम को हम लोग ने क्या किया है कि, कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है सर so, देखो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की आपको यहाँ से समझ में आएगा ठीक है सो नो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सिस्टम एट रेस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप का होता है एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो बचा क्या इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी होगा टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल मॉलिक्यूल्स का मतलब सिस्टम बोल सकते हो ठीक है ये मिल जाएगा आपको

वो जो गैस होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है सो so, मॉलिक्यूल्स क्या परफॉर्म करेंगे काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ठीक है फिर वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ठीक है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ़ द मॉलिक्यूल या फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल ठीक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ठीक काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं ठीक है और थर्ड वन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये तीन फैक्टर्स थे ठीक है सो so, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं तो किस तरह के मोशन में होते हैं या तो फिर वो लीनियर मोशन में होते हैं लॉन्ग जेड या फिर रोटेशनल मोशन होते हैं रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी या फिर वो वाइब्रेट करते हैं ठीक है और अगला मोशन एक और क्या होता है एक मोशन मतलब अगली एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है बच्चों मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले कि मॉलिक्यूल्स का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाइट से रिलेटेड नहीं होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है ठीक है तो so, यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं आइडियल गैस की और आइडियल गैस में आपको मैंने पहले भी बताया था कि देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ठीक है इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ठीक है इसका मतलब है कि आइडियल गैस के केस में ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ही नहीं ये टर्म होगा ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है दे विल अट्रैक्ट ईच अदर मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर इसका मतलब दे विल इंटरैक्ट ईचर अदर बट देयर इज नो इंटरेक्शन इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं तो बचता क्या है सो कैनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कैनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ये सब कैनेटिक एनर्जी है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस होती है ठीक है सो इंटरनल एनर्जी बोल तो या बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी ठीक जो टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ठीक है इंटरनल एनर्जी और वो इंटरनल एनर्जी आती कहाँ से काइनेटिक एनर्जी से आती है ठीक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स समझ समझ में आए टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी होती है और वो आती कहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलीक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बोलेंगे ठीक है सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आइडियल गैस ठीक या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं तो ये समझ में आया आपको ठीक है सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी और वो इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस की वजह से होती है ओके okay. सो so, बच्चों दिस इज मोनो ऑटोमिक आइडियल गैस ठीक है मतलब सिंगल एटम के आइडियल गैस हैं हीलियम नीओन आयरगन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ठीक है सो so, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसकी टोटल एनर्जी होती है क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है ठीक है तो सिस्टम रेस्ट पे है सो so, इसका जो टोटल एनर्जी होगा दैट इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ठीक मैंने अभी अभी बताया आपको कि द सिस्टम इज एट रेस्ट ठीक है सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा ठीक है कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो रहा है लेकिन ये जो टोटल एनर्जी हो रहा है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी और ये जो इंटरनल एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है वो आ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी हो रही है बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओके okay. सो so, अभी सपोज मेरे पास एक मोनो एटॉमिक मैंने एक मोनो एटम लिया ठीक है जिसका मास एम है सो so, ये अलॉन्ग एक्स भी जा सकता है अलॉन्ग वाई भी जा सकता है एंड अलॉन्ग जेड भी जा सकते हैं ठीक तो इसके थ्री ट्रांसलेशनल मोशन है या लीनियर मोशन बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल एंड लीनियर बोथ आर सेम सो इट कैन गो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैन गो अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस ठीक है सो तो so, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सो so, इसका जो टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ठीक है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ठीक है एंड और जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू व्हाट? हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम बीजेड का स्क्वायर ठीक है क्योंकि ये जो, ये जो एटम है इट कैन मूव अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड तो देखो जब ये मूव करेगा सो इट विल पर्जेस काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड तीन फैक्टर्स आपको मिल गए सो अभी मैंने बताया कि जो भी मोनो एटोमिक आइडियल गैस होगा उसका जो टोटल एनर्जी होगा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कानेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ठीक है तो यहाँ पे एक डाआटम है तो वो आइटम जो ये है सॉरी मोनो एटम है यहाँ पर एक मोनो एटम है तो वो लॉन्ग एक्स जा रहा है लॉन्ग वाई जा रहा है लॉन्ग जेड जा रहा है सो आपको मिल गया टोटल एनर्जी इज दिस ठीक है अच्छा एक एक चीज और है कि आप बोल सकते हो कि जो मोनो एटम होगा ठीक वो स्पिन भी तो करेगा रोटेट करेगा ओन एक्सिस पे वैसे रोटेट भी करेगा ठीक है रोटेट भी करेगा ठीक है जब तो कोई चीज़ रोटेट करता है तो क्या होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ठीक है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर ओके दिस इज इन रोटेशनल डायनेमिक्स फर्स्ट चैप्टर में ये है सो रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर वेर आई इज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज वॉट एंगुलर वेलॉसिटी ठीक है सो बट आई कैसे मिलता है आई को जो वॉट आई इज मूमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर का स्क्वेयर एम आर का स्क्वायर ठीक है सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये बहुत छोटा सा ऐटम है ठीक बहुत छोटा सा ऐटम है उसका मास बहुत कम होगा इसके साथ साथ जो आर होता है रेडियस आर ठीक सो so, वो तो बहुत कम है नेग्लिजिबल है बहुत छोटा सा आइटम है इसका मास भी नेग्लिजिबल है बहुत कम है और उसके साथ साथ तो इसका डिस्टेंस जो है आर एम आर का स्क्वायर आर बहुत कम है और उसका भी स्क्वायर करना है इसका मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा ठीक तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया जीरो होगा ना के बराबर होगा सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी ना के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे टोटल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ़ ट्रांसलेशनल मोशन बस ठीक तो ये देख लेंगे ये पार्ट हो गया अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ़ फ्रीडम ठीक एक टॉपिक इसमें और है डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे तो ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ओमिटेड पार्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को डी ओ एफ भी बोलते हैं ठीक और इसको इस स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग देखते हैं कि देखो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट terms in the expression of kinetic energy ठीक है, so degree of freedom को हमलोग क्या लिख बोलते हैं कि this is the number of independent terms in the expression of kinetic energy तो आप यहाँ देख सकते हो how many independent terms we have one two three they all are independent क्योंकि एक along x है, एक along y है, एक along z है, so जो degree of freedom होगा इसके लिए क्या होगा monatomic ideal gas के लिए three ठीक है सो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो स्पिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ क्या है मिला आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है ओके और आप बोलोगे सर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है ठीक है so, सो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे ओके नाव विल सी डाटोमिक आइडियल गैस ठीक है सो वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन दीज आर द डायाटोमिक ठीक है गैसेस सो हम लोग एक काम करते हैं uh, यहाँ पर देखते हैं कि सपोज़ ओटू लिया आपने ठीक है सो इट कैन मूव ये जो ओटो होगा ठीक है डायाटोमिक जो होगा ये क्या कर सकता है इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स इट कैन मूव अलॉन्ग वाई इट कैन मूव अलॉन्ग जेड ठीक है सो इस ओटो के पास ये जो डायाटोमिक डाटम diatom है ओ टू इसके पास इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड तो इसके पास लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन है अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड ठीक है सो so, यहाँ लोग देखेंगे जो टोटल एनर्जी होगी ठीक है जो इसकी टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू कानेटिक एनर्जी ठीक सो जो इंटरनल एनर्जी होगी एक तरह से बोल सकते हो टोटल एनर्जी मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू कानेटिक एनर्जी सो दैट इज़ अलॉन्ग एम वी एक्स स्क्वेयर हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ वी z ठीक है ये इसमें इस इसमें भी होगा चलो लॉन्ग x लॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड होगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं स्पिन का रोटेशन का ठीक है तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं ये बना लिया मैं ठीक है सो सपोज ये जो डायटम है ऑक्सीजन ये इसका जो बॉन्ड बन रहा है सपोज अलॉन्ग x एक्सिस बन रहा है ठीक है ये वाई ले लो यहाँ जेड ले लो ठीक तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पहला तो काइनेटिक एनर्जी हो गया ट्रांसलेशन मोशन अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन ठीक है सो सबसे पहले आप नोटिस करो सबसे पहले आप देख लो कि इसका रोटेशन किसके किसके अलॉन्ग हो सकता है ठीक है अबाउट वाई एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा अबाउट वाई एक्सिस ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ठीक है देखो ध्यान से देखो एक वाई ऐसे अबाउट वाई वैसे रोटेट करेगा ठीक है अबाउट जेड वो ऐसे रोटेट करेगा थ्री में तो नहीं दिखा सकता मैं आपको ठीक है ऐसे तो देखो अबाउट वाई ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट जेड वो ऐसे रोटेट करेगा ठीक एंड अबाउट एक्स अबाउट एक्स वो स्पिन मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे ठीक है सो तो नोट करो जब वो अबाउट वाई ऐसे घूम रहा है देखो ऐसे ऐसे सो तो ये हो जाएगा आर ठीक है मैं आर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है तो कैनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर होता है वेयर वेर आइज वॉट इज वॉट एम आर का स्क्वायर ठीक है मोमेंट ऑफ एनर्जी है मास इन टू यहाँ पे जो आर है ठीक है वेन इट विल रोटेट अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा तो रेडियस है इसकी वैल्यू मिलेगी आपको तो अलॉन्ग वाई मिलेगा आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एलॉन्ग जेड भी देखो अलॉन्ग जेड भी आपको मिलेगा आर एलोंग जेड भी आपको मिलेगा आर ऐसे समझो ना ये सेंटर ये है अलॉन्ग ये भी आपको आर मिलेगा ठीक है बट जब वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ऐसा तो उस समय आर ये हो जाएगा अलॉन्ग एक्स जब परफॉर्म कर रहा होगा ऐसा तो इस समय आर क्या हो जाएगा ना के बराबर हो जाएगा जब आर ना के बराबर होता है ठीक है सो उसका स्क्वायर करना है ठीक है सो कैनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो ये इनर्शिया विल बी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी जीरो तो यहाँ पे जो रोटेशन मिलेगा अलोंग एक्स एंड अलोंग सॉरी अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जेड मिलने वाला है सो so, दो ही मिलने वाला है ठीक है सो सो आप समझ लो हाफ आई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड का स्क्वायर ये दोनों जो है दिस इज वॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो आपको मिलेगी जो टोटल एनर्जी मिल रही है वो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ओ टू अलॉन्ग एक्स एलॉन्ग वो सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ओ टू अलॉन्ग एक्स एलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड मिल रही है ठीक है सो so इसको हम लोग बोल सकते हैं कानेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ठीक है और ये दोनों जो मिले हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे फाइव नाउ वी विल सी पॉलीअटोमिक गैसेज ठीक है वी हैव गिवन एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अमोनिया एंड मिथेन ओके सो वी हैव टेकन सल्फर ट्राई ठीक ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ले लिया तो ये है कैसे पहले वो देख लेते हैं ठीक है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सल्फर ड्राइक्साइड का तो सल्फर ड्राइक्साइड डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड ठीक है ये है ठीक है सो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है पॉलिटॉमिक है ठीक है सो इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस ठीक है सो so, ये सल्फर ये जो mole, ये जो एटम है जो मॉलिक्यूल है सल्फर ड्राई ठीक है ट्रायाटोमिक मॉलिक्यूल है सो इट कैन मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस तो यहाँ पे इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा ठीक है ठीक है या टोटल एनर्जी बोल सकते हैं वो बिकॉज ऑफ एम अलॉन्ग एक्स के मूव कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है एलोंग वाई जा रहा है एंड अलॉन्ग z ठीक ये तो तीनों हो होगा अलॉन्ग x अलोंग y तो आपको तीन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स मिल गए ठीक है अब और क्या परफॉर्म कर सकता है ठीक है अभी देखो अभी इसको अलॉन्ग ये देखो नोटिस करो O डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओके इसको अलॉन्ग दिस मूव रोटेट करा सकते हैं नोटिस कर सो ये अलॉन्ग एक्स के रोटेट करेगा आप ऐसे देखो ऐसे नोटिस करो ऐसे ऐसे ठीक सो एलोंग एक्स रोटेट करेगा ऐसे ठीक सो आर की वैल्यू है आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते एलॉन्ग वाई भी रोटेट करेगा एलोंग वाई देखो ऐसे करेगा एलोंग एक्स ऐसे रोटेट कर रहा है इसको घुमाओ ठीक है ऐसे घुमाओगे तो रेडियस ये मिल जाएगा ठीक है लॉन्ग एक्स घुमा अलॉन्ग वाई रोटेट कराओ ऐसे ऐसे घुमाओ लोंग वाई घुमाओगे तो रेडियस आपको ये मिल जाएगा ठीक ये मिल जाएगा रेडियस r मिल जाएगा ऐसे घूम रहा है तो ठीक एंड अलॉन्ग जेड भी आप घुमा रहे हो ठीक देखो अलॉन्ग जेड ये अलॉन्ग एक्स हो गया पहला करेक्ट ये ऐसे अलॉन्ग एक्स हो गया दूसरा लॉन्ग वाई ऐसे घुमाओ तो फिर अलॉन्ग जेड घुमाओगे अलॉन्ग जेड भी रेडियस आपको आर मिलेगा ठीक है सो so, हम लोग आर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो so, आर की यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको कि हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाइफ हाफ़ आई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर मिसलब यहाँ पर आपको तीनों ठीक है आपको तीन टर्म्स मिलेंगे फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई अलॉन्ग जेड ठीक है और बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर उतना हाई नहीं है तो यहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी सिक्स ओके अच्छा और एक बात याद रखना बच्चों अगर आपको पूछा है वेन इट इज़ गिवेन एट अ हाई टेम्परेचर तो हर एक केस में आपको दो टर्म ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऐड करने ठीक है अगर ऐसा मेंशन किया होगा एट अ हाई टेम्परेचर तो फिर मोनाटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी फाइव थ्री थी तो टू ऐड हो, हो गया फाइव हो गया सेकेंड डाटॉमिक के लिए वो फाइव थी ठीक है तो सेवन हो जाएगी एंड फॉर पॉलिटॉमिक के लिए दिस इज सिक्स तो एट हो जाएगी कब जब ऐसा मैंशन होगा एट अ हाई टेम्परेचर बट एट अ जनरल केस के लिए क्या होगा मोनाटॉमिक के लिए थ्री और डाटोमिक के लिए फाइव एंड पॉलियोटॉमिक के लिए सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है सो so, थर्मोडाइनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है सो so, एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी परजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स कितना एनर्जी परजेस करते हैं मॉलिक्यूल्स ठीक है किसी भी इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी परजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ओके सो स्पेसिफिक हीट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है विच इज़ परजिस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स और वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस सो अमाउंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ गैस बोलो या फिर आप वन के जी ऑफ गैस भी बोल सकते हो वन मोल ऑफ गैस बाय वन डिग्री सेल्सियस इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ठीक है अभी मैं आपको एक उसको सिंपल वे में समझाता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे कैसे हम समझ सकते हैं सपोज मेरे पास एक कंटेनर है ठीक है कंटेनर में पहले कैसा होता था दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसेस ठीक है सो so, लिक्विड भी ले सकते हैं लिक्विड के लिए भी ये डेफिनेशन होता है और गैसेस के लिए भी ये डेफिनेशन होता है सपोज इस कंटेनर में गैस है ठीक है उस गैस का टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड वी वी आर प्रोवाइडिंग हीट ठीक हम लोग इस गैस को क्या कर रहे हैं वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू दिस गैस ओके सो वेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट सो बिकॉज ऑफ दैट हीट इट्स टेम्परेचर विल राइज ठीक है सो वी हैव टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्शियस मीन्स द टेम्परेचर शुड बी रीच अप टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्शियस ठीक है सो so, देखो यहाँ पर आपने देखा कि ये गैस ने क्या किया हीट को रिसीव किया और इसका टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया ठीक है सो so, उस वन डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए ठीक है टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और अब अब आपको पता है स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर एक मटेरियल की अपनी खुद की होती है ठीक है फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर आपने लिया ठीक है अगर सपोज़ यहाँ पे ऑयल लिखा रखा हुआ है ठीक है ऑयल यहाँ पे ऑयल है और ये वाटर है ठीक है अभी मैंने वाटर कर दिया पहले तो गैस था हाँ, मैंने वाटर ले लिया उसी एग्जाम्पल में वाटर ले लिया ठीक है सो आप देखते हो जब आप पानी गर्म करते हो ठीक है सिमिलरली एक दूसरे बीकर में आप ऑयल को गर्म कर लो तो आफ्टर देखो आप पानी को बार बार फिंगर डिप कर करके चेक करते हो कि ये गर्म हुआ कि नहीं बट ऑयल में आप कभी नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि ऑयल जल्दी से गर्म हो जाएगा ठीक है सेम टाइम पीरियड अगर दोनों को दिया जाए फाइव सेकेंड फाइव सेकेंड तो यू विल नोटिस दैट कि ऑयल जल्दी गर्म हो गया जबकि वाटर अभी भी गर्म नहीं हुआ ठीक है वाटर अभी भी गर्म नहीं हुआ इसका मतलब है कि इट इज़ टेकिंग मच टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा समय ले रहा है जबकि ऑयल को टाइम नहीं लगा इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है मतलब इट विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट एनर्जी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर वेर एज द ऑयल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है वो बहुत कम है तो बच्चों जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है वो गुड कंडक्टर होता है ठीक है और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होता है वो पुअर कंडक्टर होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड जूल पर के जी पर केलविन ठीक सो फोर थाउजेंड टू हंड्रेड जूल पर के जी पर केलविन होता है ओके okay? बहुत हाई होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसके लिए वो पुअर कंडक्टर होता है जबकि ऑयल क्या होता है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ठीक है सो so, बट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक और भी है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्सटेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके सो बच्चों हम लोग देखेंगे सी पी स्टैंड फ़ॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड सी वी स्टैंड फ़ॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेयर्स रिलेशन मेयर्स रिलेशन ठीक नेक्स्ट टॉपिक इज मेयर्स रिलेशन सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वी विल टेक अ सिलेंडर ठीक है cylinder, एक सिलेंडर हमने ले लिया ठीक है दिस इज फिटेड विथ अ फ्रिक्शन लेस पिस्टन यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया दिस इज एयर टाइट दिस इज एयर टाइट फ्रिक्शन लेस पिस्टन ठीक ये कैसा पिस्टन है एयर टाइट फ्रिक्शन लेस पिस्टन ले लिया यहां पे वी हैव टेकन आइडियल गैस ले लिया वन मोल वी हैव टेकन वन मोल ऑफ ऑफ एन आइडियल गैस ठीक है नाव वॉट विल यू डू वी विल प्रोवाइड हीट ठीक है इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं ठीक है सो वी विल सी दैट कि वेन वी आर प्रोवाइडिंग हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जब आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो सो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मतलब आपको पिस्टन को ऐसे ही रखना है ठीक है देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज होने वाला नहीं है जितना वॉल्यूम है उतना वो एज इट इज़ रहेगा और आपको पता है बच्चों कि वेन एवर देर इज़ नॉट एनी चेंज नो वर्क विल बी डन जब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा वर्क डन नहीं होगा ये पिस्टन अप डाउन होगा देन ओनली देर विल बी चेंज इन ठीक है वॉल्यूम एंड जब वॉल्यूम में चेंज होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हैज़ डन इसका मतलब है कि एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्योंकि देखो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम उतना ही रहने वाला है वॉल्यूम उतना ही रहेगा इसका मतलब है पिस्टन ऊपर या नीचे आ नहीं रहा है जा नहीं रहा है सो इसका मतलब है कि जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहता है तो नो वर्क डन होता है ठीक है तो ये हो गया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर तब क्या होगा देखते हैं ठीक है हम लोग ने क्या किया प्रेशर को कांस्टेंट रखा है ठीक है प्रेशर को कांस्टेंट रखा है जितना भी प्रेशर है ठीक है अभी प्रेशर को कांस्टेंट रखा है मतलब ये जो पिस्टन है ठीक है सपोज इस पर मैंने कुछ रख लिया है ठीक कुछ इस पर रखा हुआ है जिसकी वजह से वो दबा हुआ है ठीक है सो अभी सपोज यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे वन वी विल प्रोवाइड हीट सो क्या होगा गैसेज एक्सपांड होगी सो वॉल्यूम विल इनक्रीज़ ठीक और डिक्रीज भी हो सकता है सो इंक्रीज एंड डिक्रीज कुछ भी हो सकता है एनी थिंग इट कैन बी सो देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम इसका मतलब है कि वेन द वॉल्यूम प्रेशर इज़ कॉन्स्टेंट सो देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम ठीक तो वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है ज़्यादा हो कम हो ठीक है बट हो रहा है ठीक है और वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर वर्क डन मिल रहा है सो देर इज़ अ वर्क डन ठीक एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ना पहले मैंने आपको बताया कि एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर वैन वी आर हीटिंग द गैस तो क्या होगा सो केस नंबर वन है इफ द गैस इज हीटेड एट अ ठीक है वैन गैस इज हीटेड सो इट्स टेम्परेचर विल राइज सपोज टेम्परेचर राइजेज बाय डी टी ठीक है तो दिस इज अ चेंज इन टेम्परेचर डी टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर मतलब 25 से 26 हुआ तो डी टी क्या होगा वन डिग्री सेल्सियस तो डी टी इज इज अ चेंज इन टेम्परेचर ओके बट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट तो केस नंबर वन वेन वी आर कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ठीक है एंड वी आर हीटिंग द गैस सो वॉट विल हैपन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट वी विल सप्लाई टू द गैस वो अमाउंट क्या होगा सिंस द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब पिस्टन ना तो आप ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है सो वॉल्यूम रिमेंस द कांस्टेंट इसका मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट वी आर सप्लाइंग वो सारा हीट जाके क्या कर रहा है इट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ठीक है वह सब हीट कहाँ जा रहा है इट इज़ यूटिलाइज टू इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सिर्फ एक पर्पज़ के लिए उसका यूज़ हो रहा है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ठीक है सिंस देखो आपको पता है कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ही है पिस्टन मूव नहीं हो रहा है सो वर्क डन क्या होगा जीरो नो वर्क डन होगा सो so, देखो डी क्यू एन डी क्यू एन वी हैव टेकन क्योंकि क्यू स्टैंड फॉर हीट क्यू स्टैंड फॉर हीट एनर्जी ठीक है तो हीट एनर्जी क्या होता है डी क्यू डी क्यू यू सॉरी डी क्यू वन या डी इसका मतलब डी मतलब ई स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी ठीक है सो so, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट वी आर प्रोवाइडिंग ठीक है सो so, वो क्या करेगा इट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी सो इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है बाय अमाउंट डी ई ठीक है सो so, ये हो गया सी वी बिकॉज सी वी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड डी टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर ठीक है सो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर इसका फॉर्मूला होता है ठीक है एंड वेयर सी वी इक्वल्स टू सी वी क्या होता है इट इज़ अ मोलार स्पेसिफिक हीट बिकॉज वी हैव टेकन वन मोल ऑफ आइडियल गैस सो सी वी क्या हो जाएगा इट इज़ अ मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ओके नाव ऑन द अदर हैंड पहला केस हमने देखा कि वेन वी आर हीटिंग द गैस एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सो क्या होता है द इज नॉट एनी चेंज इन द वॉल्यूम वॉल्यूम में चेंज नहीं है वर्क डन भी नहीं होगा तो जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को राइज करेगा ठीक है सेकेंड केस में क्या होता है वेन वी आर हीटिंग द गैस एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है अब क्या होगा ये जो वॉल्यूम गैस का होगा इट विल इंक्रीज बाय डी वी सो देर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस बाय स्मॉल अमाउंट डी वी डी वी ले लिया सो so, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है क्योंकि पिस्टन अप डाउन मूव कर रहा है ऊपर नीचे आ रहा है ठीक है सो जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो दो वे से यूटिलाइज होगा पहला पहला तो वो एनर्जी जाएगा हीट एनर्जी जाएगा दैट विल इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ठीक एक परपज हो जाएगा और दूसरा वो एनर्जी क्या कर रहा है पिस्टन को कर रहा है मतलब मूव करा रहा है इसका मतलब है है को मूव कराने का मतलब क्या हो रहा गैस एंड सेकेंड टू मूव पिस्टन फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस ठीक पिस्टन मूव हो रहा है क्योंकि गैस क्या हो रही है एक्सपांड हो रही है इसका मतलब है डन ठीक है okay. so now we have seen that at a constant pressure the amount of heat which we are providing to the gas it is utilized in two ways first to increase the internal energy of the gas and second move up the piston push the piston okay so, so when the gas will expand piston will move up okay so we can say that there is a work done सो वील सी दैट वर्कडन टू मूव द पिस्टेंट सो वर्कडन क्या होता है थर्मोडाइनमिक्स में बच्चों आपने देखा होगा वर्कडन इक्वल होता है प्रेशर इन टू चेंज इन वॉल्यूम डब्ल्यू so, इक्वल टू पी डी वी ठीक है सो यहाँ पर थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन हो रहा है तो वर्कडन इक्वल टू पी डी वी चेंज इन वॉल्यूम ओके सो बट अब हम लोग ने देखा कि जो सेकेंड केस में अटक कॉन्सेंट्रेशन में जो हीट एनर्जी प्रोवाइड किया डी क्यू टू इज अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट इज़ यूटिलाइज इन टू वेज़ फर्स्ट वे है डी ई टू इंक्रीज ठीक है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सेकेंडली टू परफॉर्म वर्क डन सो और सिंस ये जो हीट आपने प्रोवाइड किया है एट अ कॉन्सेंट प्रेशर पर प्रोवाइड किया है सो so, तो so क्या हो जाएगा द हीट इक्वल जो होता है सी पी इंटू डी टी ठीक है जैसे वॉल्यूम के केस में क्या था सी वी डी क्यू वन क्या था सी वी इंटू डी टी था वैसे ही एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पे दैट विल बी सी पी टी टी ठीक है सो नाउ वेर सी पी इज वॉट तो इट इज़ अ मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर नाउ बट वी नो दैट सी डी क्या है फर्स्ट केस में भी आपने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी होता है ठीक है इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ठीक है जितना टेम्परेचर की वजह से होता है ठीक है जो भी हीट प्रोवाइड करते हो ठीक है हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी ई कॉल क्या हो गया सी वी डी टी इट इज़ इंटरनल एनर्जी क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर ठीक ये हो गया तो नाउ अब हम लोग ने देखा था डी क्यू वन क्या था डी क्यू वन डी क्यू वन मतलब इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द गैस एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वहाँ पर आपको मिला था डी क्यू वन इक्वल्स टू क्या था सिर्फ सी वी इंटू डेटी था ठीक है क्योंकि वो हीट एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा था टू इंक्रीज़ इंटरनल एनर्जी ठीक है बट यहाँ पर जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है एक इंक्रीज़ टू इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड सेकेंड पर्पज़ है वर्कडन के लिए ठीक है सो यहाँ पर मैं लिख दूँ ताकि आपको शायद याद आ जाए डी क्यू वन क्या था वहाँ पर इट इज़ ओनली यूज फॉर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ठीक ये ऐसा था सो so, आपने देखा ठीक सो बट अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो हमने सेम प्रोवाइड किया ठीक है दोनों केसेस में वी हैव प्रोवाइडेड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बट फर्स्ट केस में वॉल्यूम को हमने कॉन्स्टेंट रखा था ठीक है अट सेकेंड केस में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो सिर्फ एक ही आउटपुट मिला कि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है और सेकंड केस में वी वी गॉट टू आउटपुट इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है और वर्क डन भी हो रहा है इसका मतलब है कि हमारी तरफ से प्रोवाइडेड हीट तो सेम ही है ना सो डी क्यू वन इक्वल टू डी क्यू टू हो जाएगा सो डी क्यू वन इक्वल टू डी क्यू टू ठीक है तो वही लिख लिया हम लोग ने तो सी पी डी टी एंड ये कहा गया ये देख लो तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ये देख लो सो so, ये ये क्या मिला है दिस सी पी डी टी ठीक इसकी वैल्यू क्या है सी पी डी टी और इसकी वैल्यू क्या है सी बी डी टी तो डी क्यू वन क्या है इसके इक्वल है ठीक है सो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट है ना सही है सो डी प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू सी पी डी टी डी प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू सी टी सी पी डी टी लिख लिया करेक्ट तो देखो बट डी e क्या है डी क्या है सी वी डी टी ठीक ये देखो मैंने यहीं पे पुट किया आप नोटिस करो सी पी डी टी यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है डी ई के प्लेस पे सी वी डी टी लिखा हुआ है और वर्क डन क्या है पी डेल वी ठीक है डेल वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी या डी वी जो भी बोल सकते हो आप बोल लो अभी यहाँ पे डी टी डी टी है सो दिस पार्ट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड सी पी डी वी कॉमन डी टी है डी टी को बाहर ले लिया Cp Cv P, है सी पी माइनस सी वी इक्वल जो उस तरफ पी डी वी है ठीक है आप देखते हैं कि हम लोग ने आइडियल गैस लिया है आइडियल गैस ऑफ वन मोल लिया है तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है इक्वल टू एन आर टी बट सिंस वी हैव टेकन वन मोल तो पी वी इक्वल टू आर टी मिल जाएगा सो फॉर वन मोल ऑफ गैस पी वी इक्वल टू आर टी बट यहाँ पे हमने नोटिस किया कि देर इज अ चेंज इन वॉल्यूम क्योंकि हम लोग जब गैस को हीट कर रहे हैं तो देर इज अ चेंज इन वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है तो देर इज अ चेंज इन वॉल्यूम और क्या चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है ठीक है क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैस क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है तो देर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर सो पी डी वी आर डी टी तो ये पी वी को जो आर टी है तो देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम और ऑल्सो देर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर सो हम लोग ने क्या किया वी की जगह डी वी लिखा टी की जगह डी टी लिखा तो पी डी वी के प्लेस पर वी कैन राइट आर डी टी तो यहाँ पर पी डी वी दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे आर डी टी सो यहाँ इसको हटा के यहाँ पर लिख लिया आर डी टी डी टी डी टी कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर डी टी है और इसके प्लेस पर आर डी टी आएगा तो डी टी डी टी कैंसिल तो सी पी माइनस सी वी इज आर सो दिस रिलेशन जो है सी पी माइनस सी वी इट इज़ नोन एज अ मेयर्स रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी इसको आप नोट कर लीजिए